हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर ज्ञान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बालिका उपहार योजना के बारे में। आज अपने इस योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारियां, जैसे पात्रता है, दस्तावेज है आदि के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यह योजना शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। हाल ही में नवम्बर 2019 में इस योजना का लोकार्पण किया गया था। दोस्तों, यह योजना हितकारी निधि के फंड से शुरू की गई है। हितकारी निधि के बारे में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिसंबर माह के वेतन देय जनवरी माह से हितकारी निधि का डिडक्शन किया जाता है, कटौती की जाती है। इसके लिए वार्षिक अंशदान अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए 250 रुपये तथा राजपत्रित कर्मचारियों के लिए 500 रुपये रखा गया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं बालिका विवाह उपहार योजना, गर्ल गिफ्ट स्कीम। दोस्तों, इस योजना पर मेरे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आर्टिकल हैं। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मेरे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। हिंदी में पढ़ने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करें। वैसे मैं आपको इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ में आप आवेदन फॉर्म भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। दोस्तों, शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त श्रेणी के कर्मचारियों की पुत्रियों के विवाह के उपलक्ष्य में बालिका उपहार योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत पुत्री के विवाह पर कुल 11,000 रुपये की राशि उपहार स्वरूप भेंट की जाती है। इस योजना में आवेदन करने हेतु शिक्षा विभाग के कार्मिकों को अपना आवेदन पत्र कार्यालय अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक या फिर आपके विद्यालय का प्रधानाचार्य से प्रमाणित करवाने के पश्चात श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय अथवा श्रीमान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी CBOs के माध्यम से अध्यक्ष हितकारी निधि माध्यमिक शिक्षा विभाग निदेशालय बीकानेर को प्रेषित करना रहता है। यदि दोस्तों आप एलिमेंट्री एजुकेशन में लगे हुए हैं तो आप इसके ऊपर PO से साइन करवाएंगे और उसके बाद में आप CBO महोदय को आप प्रेषित करेंगे। हितकारी निधि माध्यमिक शिक्षा तथा प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के अंतर्गत शिक्षा विभाग के राज्य सेवा में कार्यरत समस्त श्रेणी के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की पुत्री के विवाह के उपलक्ष्य में उपहार स्वरूप 11,000 की राशि प्रत्येक आवेदनकर्ता को प्रदान की जाती है। आवेदन पत्र पूर्ण करते समय कार्मिक एवं अग्रेषण अधिकारी निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान विशेष रूप से रखेंगे। इसके पश्चात ही जो है आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। योजना का लाभ सत्र 2018-19 से हितकारी निधि के नियमित अंशदाता कर्मचारी को ही दे होगा। दोस्तों, यहाँ नियमित अंशदाता जो है वो ये रहेगा कि जो ऐसे कर्मचारी जो लगातार इस योजना के तहत अंशदान करवाते आ रहे हैं, नियमित सेवा में है। योजना का लाभ संपूर्ण सेवाकाल में केवल एक ही बार दे होगा। निर्धारित प्रपत्र संलग्न करते समय सभी कॉलम की पूर्ति आवश्यक रूप से की जाएगी। योजना का लाभ प्रत्येक वित्तीय वर्ष में केवल 500 लोगों को ही दे होगा। दोस्तों, यहाँ पर एक वित्तीय वर्ष के अंदर केवल 500 जो लोग हैं, जो 500 एम्प्लॉयज जो हैं, उन्हीं को इस योजना के तहत लाभ दे होगा। बालिका के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10 या कक्षा 12 के प्रमाण पत्र की प्रति जिसमें आयु का उल्लेख किया गया हो, साथ में संलग्न की जानी आवश्यक रहेगी। 18 वर्ष से छोटी उम्र में यहाँ शादी होने पर इस योजना का लाभ दे नहीं होगा। अर्थात आपके लिए यहाँ पर यह शर्त रहती है कि बाल विवाह आपकी बालिका का नहीं होना चाहिए। यहाँ एक अन्य शर्त आती है, विवाह की निर्धारित तिथि के 2 माह के अंतर्गत ही आवेदन किया जाएगा। दोस्तों, इस बिंदु को मैं आपके लिए स्पष्ट कर दूँ। दोस्तों, ये 2 माह का जो समय है विवाह की तारीख के पश्चात का है। यहाँ पर आप विवाह की निर्धारित तारीख से पहले आवेदन नहीं कर सकते हैं। आपको आवेदन करने के लिए यहाँ पर जो समय दिया गया है वो विवाह की तारीख के पश्चात 2 माह का समय दिया गया है। आवेदन पत्र में उल्लेखित संपूर्ण सूचना का सही इंद्राज करने के पश्चात ही आवेदन पत्र करवाना होगा। योजना की राशि का जो वितरण है वह कर्मचारी के बैंक खाते के जरिए किया जाएगा। अर्थात किसी भी प्रकार का नगद लाभ इस योजना के तहत दे नहीं होगा, डायरेक्ट आपके बैंक खाते में राशि जमा की जाएगी। दोस्तों, यहाँ मैं आपको इस योजना के बारे में और थोड़ा सा बता देता हूँ। इस योजना पर अब तक कुल 3 जो है आदेश सर्कुलर जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा जारी हो चुके हैं। बालिका उपहार योजना के बारे में सबसे पहले 4 नवम्बर 2019 को एक आदेश जारी हुआ था, जिसके तहत इस योजना के बारे में आपको संपूर्ण सूचनाएँ दी गई थी। इसके बाद में आने वाले जो समस्याएं थी उन समस्याओं को दूर करने के लिए एक 25/11/2019 को एक माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश जारी हुआ है, जिसके तहत आप देख सकते हैं इनमें इस आदेश में स्पष्ट किया गया था कि विवाह की निर्धारित तिथि के 2 माह के भीतर आवेदन किया जावे, ना कि विवाह तिथि के 3 से लेकर 6 माह पूर्व। इस बाबत पूर्ण ध्यान रखा जाए।
यहाँ जो आपका वार्षिक अंशदान जो कटता है उसकी प्रति भी आपको यहाँ आवेदन प्रपत्र के साथ में संलग्न की जानी आवश्यक रहती है। अपूर्ण आवेदनों पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। साथ ही आप देख सकते हैं विवाह हेतु मुद्रित कार्ड की मूल प्रति ही भिजवाई जावे, ना कि फोटो प्रति। यहाँ पर जो शादी के लिए जो निर्धारित जो कार्ड था, जो पत्रिका थी, उसकी भी मूल प्रति आपको साथ में प्रेषित करनी रहती है। विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक 4/11/2019 से पूर्व के प्रकरणों पर नियमानुसार योजना लागू नहीं होती है। दोस्तों, यह योजना 4 नवंबर को लागू हुई है, उससे पहले की जितने भी प्रकरण हैं उस पर यह योजना लागू नहीं होती है। इसके पश्चात ही आपको यहाँ अप्लाई करना है। और दोस्तों, इसी के साथ में ये जो 2 माह की जो तिथि है, इसको और इसके बारे में बताने के लिए 27/11 को एक और सर्कुलर जारी हुआ है, जिसके तहत बताया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं बिंदु संख्या 2 के द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है, अतः पुनः स्पष्ट निर्देशित किया जाता है कि बालिका विवाह की निर्धारित तिथि के पश्चात 2 माह के अंदर अंदर आवेदन करने पर स्वीकार्य होगा। विवाह तिथि से पूर्व या तिथि के 2 माह पश्चात प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये निर्धारित प्रपत्र है, ये वो फॉर्म है जिसके तहत आपको आवेदन करना है। ये फॉर्म भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, बाय।